हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग में क्या सीखा था? ए फॉर एप्पल, है ना. ए फॉर आंट भी होता है, ए फॉर एलिगेटर भी होता है, और ए फॉर एरोप्लेन भी होता है. आपने सब अच्छे से लर्न किया है, आपको सब याद है ना. और बी फॉर बॉल, है ना. बी फॉर बलून, बी फॉर बॉय एंड बी फॉर बास्केट, सब आपने अच्छे से लर्न किया है. मैम को पता है आप बहुत अच्छे से लर्न करते हैं, ठीक है. और इसके बाद हमने क्या लर्न किया था? सी फॉर कैट, सी फॉर काउ, सी फॉर कैप एंड सी फॉर कार. एंड नेक्स्ट डी फॉर डॉग, है ना. डी फॉर डियर, डक एंड ड्रम, सब आपने अच्छे से लर्न किया है और आप कुछ भी भूले नहीं हैं, मैम को पता है. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? एक न्यू लेटर जो है वो लर्न करेंगे. ये क्या है? ई फॉर एलिफेंट. एलिफेंट देखा है ना आपने, है ना. अच्छा लगता है ना आपको? जंगल में रहता है, बहुत बड़ा होता है ना. और ई फॉर क्या होता है? एग होता है. ई फॉर ईगल एंड ई फॉर इंजन, है ना. अच्छा लगता है ना आपको? इंजन भी पसंद है ना, ठीक है. तो हमने क्या सीखा अभी तक? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग एंड ई फॉर एलिफेंट, है ना. तो आपको क्या करना है? अच्छे से ई को भी लर्न करना है, ठीक है. ओके, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.